पवन चित्रा का फुर्सत गाने का टीजर लॉन्च हो चुका है। टीजर आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। टीजर देखकर बेशक अरुणिता के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अरुणिता ने भी इतने क्लोज शॉट नहीं दिए थे जितने चित्रा शुक्ला ने पवनदीप के साथ दिए। टीजर में इनकी केमिस्ट्री ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। टीजर में पवन चित्रा एक दूसरे के सिर से सिर टकराते रोमांस करते दिख रहे हैं। इनके इस रोमांटिक टीजर ने धमाल मचा कर रख दिया। चित्रा पवन के गालों पर किस करती नजर आ रही है, और वाकई ये सीन अरुणिता नहीं कर पाती। शायद इसीलिए अरुणिता ने इस गाने में शूटिंग करने से मना कर दिया था। और सोशल मीडिया पर लोग इनका ये टीजर देखकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कमेंट्स की लाइन लगी हुई है। इनका रोमांटिक टीजर देखकर अरुणिता भी इमोशनल हो गई, क्योंकि इन्हीं सीन की वजह से ही वो पवन के साथ इस गाने में शामिल नहीं हो पाई, वरना वो कभी शूटिंग करने से मना नहीं करती। वेल, आप बताइए, क्या ऐसे सीन अरुणिता के लिए ठीक नहीं थे? और आपको पवन चित्रा का ये टीजर कैसा लगा? जल्दी इनका ये गाना रिलीज होने वाला है। आप इनके इस गाने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरु की कई खूबसूरत फोटोज वायरल हो रही हैं। कनाडा में इन्होंने धमाल मचा कर रख दिया। सिर्फ मंच पर ही नहीं, बल्कि टाइम मिलते ही ये टाइम स्पेंड करने एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे, और यहाँ इन्होंने बेहद रोमांटिक फोटो शूट कराए जो सोशल मीडिया पर आते ही धमाल मचाने, जिसे फैंस नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोटोज में पवन की जितनी दूरियां बताई जा रही थी अब उतनी ही नज़दीकियां देखी जा रही हैं। कनाडा से जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें पवन के कंधे पर सिर रखकर अरुणिता प्यार करती दिखाई दे रही हैं। एक फोटो में अरुणिता येलो कलर की खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है। ये ड्रेस अरु पर बहुत ही सूट कर रही है। अरुणिता की ये पिक्चर कनाडा के एक इवेंट की है, और इसी इवेंट में अरुणिता ने पवन के साथ परफॉर्मेंस दी थी। एक और फोटो में अरुणिता पवन कनाडा के खूबसूरत जगह पर रोमांटिक पोज देते नजर आए। एक फोटो में पवन अरु कमाल का फोटो शूट करवाते आए एक फोटो में पवन अरु कमाल का फोटो शूट करवाते नजर आए। इस फोटो शूट में पवन अरु के पास खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हैं, जबकि पैरों की तरफ से इनकी फोटो क्लिक की गई है। ये सब गोल दायरा आकार में खड़े होकर फोटो क्लिक करवाते नजर आए। उनके साथ सायली, दानिश और टीम के कई लोग भी शामिल हैं। पेड़ की छांव में भी अरुणिता ने रोमांटिक फोटो शूट करवाए। वाकई अरुणिता, पवन, सायली, दानिश की ये सभी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लोगों की नजरें इन पर से हट ही नहीं रही हैं। पवन चित्रा का फुर्सत गाने का टीजर लॉन्च हो चुका है। सोशल मीडिया पर आते ही फैंस को धक्का लग गया, क्योंकि फैंस पवन के साथ चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हर तरफ पवित्रा को देखकर फैंस को गुस्सा भी आ रहा है कि अरुणिता को पवन से दूर क्यों किया जा रहा है। हालांकि टीजर ने वाकई धमाल मचा कर रख दिया। टीजर में कहीं भी अरुणिता की कमी महसूस तक नहीं हो रही है, और चित्रा ने इस कमी को भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरुणिता के फैंस पर एक अलग ही फितूर सवार है। वो अरुणिता को भूल ही नहीं पा रहे। वो पवन से अरुणिता को दूर करना ही नहीं चाहते हैं। टीजर में पवन चित्रा रोमांटिक सीन दे रहे हैं। दोनों किसी खूबसूरत जगह पर रोमांस कर रहे हैं। चित्रा पवन के बहुत करीब होती दिखाई दी, इतनी कि अरुणिता कभी नहीं थी, और शायद इसी वजह से अरुणिता के पेरेंट्स ने उन्हें इस गाने की शूटिंग करने से मना कर दिया था। क्योंकि जब टीजर में ये दोनों इतने रोमांटिक सीन दे रहे हैं, तो सोचिए पूरे वीडियो में क्या हाल होने वाला है। फिलहाल तो लोग इनका पूरा म्यूजिक वीडियो देखने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर ही बता पाएंगे कि क्या ऐसे सीन अरुणिता के लिए ठीक नहीं थे, क्या अरुणिता ऐसे सीन नहीं कर पाती, क्या इन सीनों के लिए भी अरुणिता के पेरेंट्स को दिक्कत थी, या अरुणिता ने किसी वजह के चलते पवन के साथ एक्टिंग करने से मना किया, जबकि गाने में अरुणिता की ही आवाज है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप भी टीजर देखें और हमें बताएं, क्या आपने अरुणिता को मिस किया? क्या टीजर में अरुणिता की कमी खल रही है? क्या आपको पवित्रा की केमिस्ट्री पसंद आई? सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में जीत हासिल कर चुके पवनदीप राजन और शो की फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता कांचीलाल ने अपनी आवाज से तो लोगों को दीवाना बनाया ही, साथ ही फैंस इनकी केमिस्ट्री पर भी फिदा हैं। दोनों जब भी साथ में मंच पर आते हैं समा बांध देते हैं। इनके फैंस इन्हें हमेशा ही साथ देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं।
इस बीच ऐसी खबरें भी आई जिसे जानकर दोनों के फैंस का दिल टूट सकता है। इंडियन आइडल में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन शो के बाद भी इनकी केमिस्ट्री के कारण दोनों की काफी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं इन्हें कई प्रोजेक्ट में साथ ही साइन किया जाने लगा है। कुछ समय पहले म्यूजिक डायरेक्टर राज सुरानी ने इन दोनों को अपनी म्यूजिक सीरीज के लिए साइन किया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अरुणिता इस सीरीज में नहीं है और इस सीरीज में चित्रा ने पवन के साथ शूट किया है। इनका गाना भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द रिलीज भी हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर अरुणिता इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकी हैं? आखिर ये सब उनके करियर से जुड़ा था, वो करियर जिसके लिए उन्होंने कई सारे सपने देखे थे कि वो एक दिन फेमस होंगी और पूरी दुनिया उन्हें जानेगी, और शायद पवन के साथ वो काम करती तो उन्हें लोग जानते भी। लेकिन अरुणिता की माँ को पवनदीप के साथ उनके लिंकअप की खबरें शुरुआत से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे में जब राज सुरानी ने इन दोनों को अपने म्यूजिक वीडियो सीरीज के लिए साइन किया तो अरुणिता के पिता ने उसी समय ये साफ कर दिया कि इसमें पवनदीप और उनकी बेटी के बीच कोई इंटीमेट सीन ना शूट किए जाएं। तब सुरानी ने अरुणिता के पिता को सेट पर ही रहने के लिए कहा था और कहा था कि मैं आपके सामने ही सीन शूट करवाऊंगा अगर आपको विश्वास ना हो। लेकिन अरुणिता के पिता ने कहा कि मुझे तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन लोगों को कैसे विश्वास होगा, वो तो जो देखेंगे उन्हें वही दिखेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा वैसा सीन शूट किया जाए। इसके बाद जब पहला म्यूजिक वीडियो शूट करने का वक्त आया तो अरुणिता के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया था जो शूट के दौरान हमेशा ही अरुणिता के सेट पर रहता था। इसके बाद जब सिंगर ने दूसरे म्यूजिक वीडियो को करने से साफ इनकार कर दिया, हालांकि वो इसे काफी हद तक रिकॉर्ड भी कर चुकी थी। खबरों से ये भी पता चला कि राज सुरानी से इसे लेकर बात की गई तो उन्होंने भी इसका जवाब देते हुए ये कहा कि अरुणिता की फैमिली नहीं चाहती कोई सीरीज में काम करें और फैमिली का फैसला अरुणिता के लिए पहला फैसला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अरुणिता को काम ही नहीं करना था तो उन्होंने विदेश वाले शोज क्यों किए, ऐसा लग रहा है कि ये उनका फैमिली का ही फैसला है, लेकिन मैं इससे बहुत नाराज हूँ। पहले अरुणिता के काम ना करने पर डायरेक्टर तो नाराज है, लेकिन आगे के लिए भी अब अरुणिता की टेंशन और बढ़ गई है क्योंकि अब पता नहीं और डायरेक्टर इन्हें काम देंगे कि नहीं देंगे। पहले आपको क्या लगता है, क्या आप अभी भी अरुणिता के साथ हैं? और अगर साथ हैं तो उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और उनके लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कनाडा से पवन अरू का बहुत ही खूबसूरत वीडियो सामने आया है जिसने फैंस का दिन बना दिया। पवन अरू राज सुरानी के दूसरे गाने फुर्सत में भले ही एक नहीं हो पाए, लेकिन ये दोनों दिल से एक ही हैं। फुर्सत गाने में पवन के साथ अरुणिता को ना देखकर ऐसी खबरें आने लगी थी कि इनके बीच मनमुटाव हो गया है। क्या दोनों अलग हो चुके हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है।